ये मेरे हीरो एक दो तीन हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ सब बड़े होंगे। तो आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ, और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं देहरादून आ गया था, और आज मैं आपको लेके आया हूँ सहस्त्रधारा। जैसा आप पीछे देख सकते हो, ये मम्मी बाबा दीदी सवार रखे हैं। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे और थोड़ा स्विमिंग करेंगे, देखेंगे क्या होता है। करना है पापा स्विमिंग? ठीक है, तो हम भी स्विमिंग करेंगे। पापा मेरे को तो आती है स्विमिंग, मम्मी और दीदी को नहीं आती, कोई बात नहीं। तो तुम्हारा भाई आज तुम्हें स्विमिंग करना सिखाएगा, ठीक है? तो कौन सा वाला, इधर है कि आगे है? चलो आगे भी है ना, वो देखो वहाँ झरने हैं। चलो आगे भी देख लेंगे थोड़ा। अरे एक खासियत है इसकी। हाँ जी, इसमें जो है ना गंधक का पानी है। गंधक? गंधक एक केमिकल होता है ना, उसका पानी है। तो इसमें फोड़ा फुंसी शरीर में कुछ भी है ना, वो भी ठीक हो जाती है। चलते हैं, हम देखते हैं कहाँ पर करना है, क्योंकि वहाँ पर भी सही लग रहा है थोड़ा। अगर पास जाके दिखाऊंगा, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, और यहाँ पर भी ठीक लग रहा है। और ये देखो यहाँ पर फाउंटेन लग रखे हैं। तो चलते हैं आगे। तो ये पूरी मार्केट है, और यहाँ पर पार्किंग भी है। तो अगर आप यहाँ आओगे तो 100 रुपये पार्किंग लगेगी, और होटल वोटल भी सब यहीं है। अगर आप देहरादून आते हो तो ये बहुत अच्छी जगह रुकने के लिए, मतलब यहाँ पर होटल भी रह सकते हो और घूम भी सकते हो। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ मम्मी भी साथ चल रही है, ऐसे चल रहा हूँ। तो ये रहे, ये देखो यहाँ कैसा झरना है, छोटे छोटे। और यहाँ पर देखो ट्यूब व्यूब भी रखी, अगर किसी को ट्यूब लेनी है। उधर देखो ये मछला कहाँ से आ गया? उसने सीख रखा है स्विमिंग। आप भी आ जाओ, बात आपके हाइट तो इससे ज्यादा है ना, कम है। ये क्या कर रहे हैं? स्टार फिश ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा दीदी, आप पापा में रेस लगाएंगे? ठीक है, जो फर्स्ट आएगा। एक दो तीन
भाई वहीं पे, वहीं पे तैरो। नीचे जा नीचे। हेलो गाइस, तो गाइस अगर आपको भी आना है तो आप आ सकते हो। और यहाँ का एड्रेस तो मुझे खुद नहीं पता वैसे, कहाँ पर है ये देहरादून का वो है ना, सब फेमस जगह है सहस्त्रधारा। हाँ। आप गूगल मैप से लिखोगे आपको मिल जाएगा सहस्त्रधारा। हाँ पीछे क्या, हाँ ये बात अरे मैप देख लेंगे इनको, ये बता दो। वो ट्रॉली कहाँ जा रही है? तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतनी रखते हैं, और अगर आपको यहाँ पर आना है, जैसे अगर आप देहरादून आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो। यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बूढ़े आप देख सकते हो, बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी रखते हैं, क्योंकि हमें आगे भी जाना पड़ेगा, बहुत जगह आगे बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करनी है हमें, आपको भी दिखाना है, खुद भी घूमना है। तो चलो आज की वीडियो अच्छी रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।